दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक जो पहुंचाए आपके शहर की हर खबर आप तक। आज हम मेन टिकरी बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ आए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन के एक सदस्य हैं हमारे साथ, वो प्रधान भी है सिद्धपुर के। उनका क्या कहना है इस विषय में, ये जो इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है और क्या इतने दूर होने की वजह से इन तक सारी मदद पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है, उसके बारे में आइए जानते हैं उनसे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। के जिहड़े काले कानून असीं 24 तरीक तो लगातार संघर्ष लड़ रहे हैं, तो ये काले कानून रद्द करा के जावांगे। असीं मोदी नूं कहिंदे आ वी जिन्ना चिर तूं साडे काले कानून रद्द नहीं करेगा उन्ना चिर असीं वापस नहीं जावांगे। कि असीं जिन्ना भी आपदा इंतजाम करके आए हुए हाँ, तो इस करके जो भी पंजाब का बच्चा साडा संघर्ष लड़ रहा है तो लड़ांगे भी जिन्ना चिर ये रद्द नहीं होंदे। इस करके जो भी अपना वीर कोई पिंडां दे विच बैठा है उन्होंने भी असीं बेनती करते हैं कि तुसीं जल्दी तो जल्दी कि दिल्ली वाल पहुँचो, कि तुसीं अड़ीक कहिंदे ना रह जाओ, कि जिहड़ा संघर्ष है ये बहुत जोरां शोरां ते उपर पहुँच गया है। पर इस करके मेरे वीरां नूं बेनती करदा मैं कि पिंडां दे विच तुसीं कतारां बन के आओ, जिथे काफले बना के आओ, कि संघर्ष होर वड्डा तेज़ करिए। आपां नूं तेज़ करन दी लोड़ है। तो इस करके मैं बेनती करदा कि जो भी ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਲੜਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਕਾ ਜੋ ਹੈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਭਗ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, तो इसकी वजह से अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों से मदद आ रही है, आप तक सारी मदद पहुंच पा रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारी मदद पहुंच पा रही है। इस करके असी के बैठे हुए हैं साइडां ते होके बैठे हुए हैं कि जो काफला लम्मा है उहदे विच जिहड़े साडे किसान वीर उन्हां नूं मुश्किल आ रही है, उस करके असी साइडां ते बैठे हुए हैं कि काफला तो होर भी लम्मा हो सकता है, पर असी जिहड़ा कि साडा मेन स्टेज है उहनूं सानूं पहुँचना औखा हो जाता है। इस करके असी पासे ग्रुपां दे विच बैठे हुए हैं। ते इन्नियां गल्लां कहिंदा होया वाहिगुरू जी खालसा। मेन स्टेज जो है वो यहां से 10 किलोमीटर दूर है, हाँ जी, तो उसके इतनी दूर होने की वजह से कोई परेशानी किसी तरह की नहीं? सानू कोई परेशानी नहीं आउंदी जी, असीं डेली जाने हां ते आपदा साधन लै जाने जी, साधन ते जाए आने हां। यहां से 10 किलोमीटर दूर आप लोग? हां जी दूर है, 10 किलोमीटर दूरी है जी, 10 किलो दूरी ते बैठे हुए हां। ते पर उस दे विच भी असीं बैठे हुए हां भी उत्थे ज्यादा जिहड़ा भीड़ भड़के दा है, क्यों जिहड़ियां साडियां जानां है साडे किसानां दियां जानां लगातार जा रही हैं, असीं उस दी विचार विच भी इत्थे बैठे हुए हां। लगातार असीं उस दी सोच करी जाने हां कि जिहड़े साडे किसान वीर है, कि जिहड़ी साडी जालम सरकार है उह कुछ नहीं सोच रही, भी एक जिहड़े इंसान किसान अन्नदाता उहनां दियां जानां चलियां जा रहियां है, 20-22 साल तो लैके 15-16 साल तो लैके 40-45 साल तक जाई जांदियां जानां, पर जालम सरकार कुछ नहीं सोच रही भी इह असीं जिहड़ा काले कानून रद्द करिए ते किसान नूं असीं जिहड़ा आपदे घरां नूं तोर के, ठंड दा टाइम है बहुत औखा है, सारियां चीज़ां जिन्नियां हैगियां, पर उस दे वल सरकार दा कोई ध्यान नहीं है। सरकार ये भी कह रही है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड का कहर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो बुज़ुर्ग लोग हैं इस आंदोलन में उन्हें वापस घर भेज दिया जाए, इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, यह सरकार चालां चल रही है कि सरकार सोची जाती है, चालां चली जाती है कि जो बुज़ुर्ग वग जाण तो जिहड़े नौजवान है उन्होंने असीं किसी होर धड़े च लिया के उन्होंने थोपना थोप के उन्होंने असीं केस बनाईए, फिर असीं उन्होंने कोई इल्जाम ला के, इस करके सरकार सोच रही है। कहना है कि जो सरकार का ये कहना है कि बुजुर्गों को घर भेज दिया जाए, वो कहीं ना कहीं वो राजनीति चल रही है, इस आंदोलन में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। सरकार कह रही है पर असी जिहड़े बुजुर्ग हां असी बिल्कुल नहीं जावांगे, असी संघर्ष लड़े ना सानू पता है, असी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है उन्हूं नाल लैके उन्हूं चलावांगे, कि उन्हां नूं भी अगे वास्ते संघर्ष कोई सरकार ऐसा काम ना करे कि सरकार मारू नीतियां ना लियावे, कि एक होर जिहड़ी खट्ट अपनी सरकार है हरियाणे दी उहने जिड्डा माड़ा काम कीता है ऐडा किसी सरकार ने नहीं किया, कि जिहड़े उन्हें आपदा नुकसान आप किया, असी पहली बार सरकार का देखिया भी आपदा नुकसान आप करती है, नहीं कोई सरकार आपदा नुकसान नहीं करती। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सरकार का जो ये कहना है कि बुजुर्गों को घर भेज दिया जाए,
और नौजवानों को यहाँ रहने दिया जाए। ठंड का कहर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सरकार निवेदन कर रही है, आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं से कि जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें घर भेज दिया जाए क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस वजह से। इस पे इन लोगों का कहना है कि ये सरकार की कहीं ना कहीं साजिश है क्योंकि बुज़ुर्ग चले जाएंगे तो नौजवानों को वो आसानी से फटका लेंगे। तो चलिए, सरकार और किसानों की इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, आगे जो है ये आंदोलन क्या रुख लेता है, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली दस्तक के साथ। कैमरा पर्सन प्राची गुलियानी के साथ संजना सिंह की यह रिपोर्ट।